मूवी की लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आलवेज न्यू। आज इस एपिसोड में मैं आपसे बात करने वाला हूँ पंजाबी मूवीज की सारी मूवीज के बॉक्स ऑफिस अपडेट। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा ताकि जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूँ आप उसे पूरी जान सके। तो इस वीडियो में मैं आपको सभी मूवीज़ की एक ही साथ कलेक्शन बता दूंगा जितनी भी मूवीज़ रिलीज़ हुई है, ताकि आपको बार बार वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़े। अगर आपको अलग अलग करके वीडियो देखनी है तो मैं हो सकता है मैं शाम तक डालूं अलग अलग करके भी वीडियो को कट करके मैं शायद अपलोड करूँ, लेकिन अभी मैं एक साथ ही इस वीडियो को बना रहा हूँ और उसको अपलोड करूँगा। तो जिसको एक साथ वीडियो नहीं देखनी पसंद है, जिसको अलग अलग देखनी पसंद है, उसके लिए भी मैं शाम तक या आप कह सकते हैं 9 से 10 बजे तक वीडियोस डालूंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ साथ मैं एक चीज़ और बता दूँ कि अक्षय कुमार की मूवी मिशन मंगल भी रिलीज़ हो रही है कल, और उसकी मैं एक एक अपडेट आपको दे रहा हूँ, एक एक अपडेट। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर जाकर उन वीडियोज़ को देखें। मैंने हाँ सुबह एडवांस बुकिंग की अपडेट आपको दी थी कि मूवीज़ को मुंबई में कितने शोज़ मिले हैं, दिल्ली में कितने शोज़ मिले हैं, हैदराबाद में कितने शोज़ मिले हैं, कितने हाउसफुल हो चुके हैं, कितने फास्ट फिलिंग हो चुके हैं, सब कुछ मैंने उस वीडियो में बताया है। तो उस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और उसमें आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अक्षय कुमार की मूवी मिशन मंगल के बारे में। और उसका मैंने एक ऑडियंस पोल भी डाला है चैनल पर, मैंने एक ऑडियंस पोल डाला है कि कलेक्शन मूवी फर्स्ट डे में कितना कर सकती है। तो वहाँ पर अपनी वोट जरूर दीजिएगा कि मूवी अपने फर्स्ट डे में कितना कलेक्शन कर सकती है। और एक और चीज़ मैं बता दूँ कि कुछ देर बाद यानी कि थोड़े टाइम बाद मैं अक्षय कुमार की फर्स्ट डे का ऑफिशियल प्रेडिक्शन भी डालने वाला हूँ अपनी तरफ से, जितना मुझे लगता है कि मूवी फर्स्ट डे में कितना कलेक्शन कर सकती है। तो वो कलेक्शन भी मैं डालूंगा, तो उस कलेक्शन के लिए भी आप वेट करिएगा। और साथ साथ मैं आपको ऑडियंस पोल पर भी एक वीडियो बनाऊंगा, जो आपने ऑडियंस पोल में वोट देंगे आप वहाँ पे कितने परसेंटेज वोट किस कलेक्शन के लिए मिली है, तो वो मैं जरूर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बता दूं कि चल मेरा पूछ जो मूवी है वो धमाकेदार ब्लॉकबस्टर होने जा रही है। इस मूवी को जो है रिलीज़ किया गया था 26 जुलाई 2019 को। मूवी का डायरेक्टर थे जनजोत सिंह। और वहीं बात की जाए अगर मूवी के म्यूज़िक डायरेक्टर की, तो इस मूवी के म्यूज़िक डायरेक्टर थे डॉक्टर ज्यूस। मूवी ने अपने फर्स्ट 3 डेज़ में नेट कलेक्शन इंडिया में किया था 3 करोड़ 50 लाख का, और वहीं वर्ल्ड वाइड में 11 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया था। फर्स्ट 10 डेज़ की बात की जाए तो मूवी ने 7 करोड़ 90 लाख के आसपास का नेट कलेक्शन किया था, और वहीं ग्रॉस कलेक्शन की बात की जाए तो मूवी ने 25 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया था वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस में। मूवी को पहले 10 डेज़ में ही वर्ल्ड ब्लॉकबस्टर का मिल चुका है। फर्स्ट 19 डेज़ की बात की जाए तो मूवी ने अपने 19th डे में अराउंड 30 लाख के आसपास का कलेक्शन किया था, जो कि एक ज़बरदस्त कलेक्शन था। और वहीं टोटल कलेक्शन की बात की जाए तो 13 करोड़ 40 लाख का ग्रॉस कलेक्शन इंडियन बॉक्स ऑफिस में, और वर्ल्ड वाइड में अराउंड 30 करोड़ 25 लाख का। मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि अभी जो ये कलेक्शन इसका ऑफिशियल फिगर्स आने बाकी हैं, तो वो भी मैं आपको जरूर बताऊँगा। लेकिन उससे पहले बता दूँ आज के दिन की रिपोर्ट। अब आज का दिन जो मूवी के लिए है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज आप समझ सकते हैं कि मूवी का लास्ट दिन ही आप समझ लें जब मूवी एक धमाकेदार कलेक्शन करेगी। इसके बाद जो है मूवी का कलेक्शन ड्रॉप होने वाला है, और काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप होने वाला है, क्योंकि सुपरस्टार अक्षय कुमार की मूवी मिशन मंगल रिलीज़ होने वाली है। अब ये जो चल मेरा पूत मूवी है ये ओवरसीज़ में अब अच्छा कलेक्शन जरूर करती रहेगी, क्योंकि ओवरसीज़ में पंजाबी मूवीज़ काफ़ी देखी जा रही है, तो वहाँ पे तो ये कलेक्शन करती रहेगी। लेकिन इंडिया में इस मूवी को ड्रॉप देखने को मिलेगा, क्योंकि जितने भी शोज़ हैं वो मिशन मंगल और बाटला हाउस को मिल चुके हैं ऑल ओवर दिल्ली में, चंडीगढ़ में। तो वहाँ पे चल मेरा पूत होगी या दूसरी मूवी होगी पंजाबी अरदास करा होगी, तो उनको अब शोज़ कम हो जाएंगे दिल्ली में चंडीगढ़ में, तो उसका इफेक्ट देखने को मूवी को मिलेगा और मूवी के कलेक्शन में गिरावट देखने को मिलेगी। और वहीं बात की जाए तो मूवी जो 19th डे में मैंने आपको बताया कि अराउंड 30 करोड़ 25 लाख के आसपास का वर्ल्ड वाइड में ग्रॉस कलेक्शन कर सकती है, और 20 डेज़ की बात की जाए तो मूवी आज के दिन अराउंड 25 लाख के आसपास का ग्रॉस कलेक्शन इंडियन बॉक्स ऑफिस में, और वहीं टोटल कलेक्शन मूवी का जो है 13 करोड़ 65 लाख के आसपास का ग्रॉस कलेक्शन हो सकता है इंडियन बॉक्स ऑफिस। और वर्ल्ड वाइड में मूवी जो है अच्छा खासा कलेक्शन करी, क्योंकि ओवरसीज से जो मूवी का कलेक्शन आ रहा है वो काफ़ी अच्छा कलेक्शन आ रहा है। और मैंने आपको कल भी एक वीडियो बनाई थी कि ऑस्ट्रेलिया में तो मूवी जो है अरदास करा को भी पीछे करने वाली है, और न्यूजीलैंड में भी, तो काफ़ी अच्छा कलेक्शन हो रहा है चल मेरा पूत का ओवरसीज़ मार्केट से। इसी तरह मूवी जो है वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस में अराउंड 30 करोड़ 75 लाख के आसपास का कलेक्शन कर सकती है, और मुझे लगता है कि लाइफ टाइम में जो मूवी है वो अराउंड 35 करोड़ के आसपास के लिए भी जा सकती है। नामुमकिन नहीं है कि 35 करोड़ करे, लेकिन मुश्किल जरूर है, क्योंकि अभी और मूवी जो रिलीज़ होगी उनका रिस्पांस देखना होगा कि वो उन मूवी को किस तरह से रिस्पांस मिलता है। अब चलते हैं नेक्स्ट मूवी की तरफ।
तो मेरी जो नेक्स्ट मूवी है वो सिकंदर टू मूवी। सिकंदर टू में करतार चिम्मा और गोरी लीडिंग रोल में थे। ये मूवी जो है काफ़ी अच्छा रिस्पांस के साथ रिलीज़ हुई थी। पहले दिन मूवी को वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव मिला, सेकंड डे पॉजिटिव मिला, मूवी का कलेक्शन में ग्रोथ हुई, और ज़्यादा ग्रोथ हुई, और मूवी ने अच्छा कलेक्शन भी किया। वैसे इतनी उम्मीद नहीं थी कि मूवी सुपर हिट हो पाएगी, लेकिन मूवी हिट हो चुकी है और वो भी काफ़ी कम टाइम में। तो सिकंदर टू की पूरी अपडेट मैं आपको बता दूं कि मूवी को रिलीज़ किया गया था 2 अगस्त 2019 को। मूवी के डायरेक्टर थे मानस शाह। रिलीज़ के टाइम यानी कि जब मूवी रिलीज़ हुई थी उस टाइम मूवी को जो स्क्रीन्स मिले थे वो अराउंड 200 के आसपास स्क्रीन्स मिले थे, और बजट की बात की जाए तो मूवी को अराउंड 3 से 4 करोड़ का बजट है, यानी 5 करोड़ से कम का ही मूवी का बजट है। और फर्स्ट 3 डेज़ का टोटल कलेक्शन की बात की जाए तो मूवी को 2 करोड़ 20 लाख का नेट कलेक्शन मूवी ने किया था, और 3 करोड़ 50 लाख का ग्रॉस कलेक्शन इंडियन बॉक्स ऑफिस में, और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस में अराउंड 4 करोड़ 9 लाख का ग्रॉस कलेक्शन मूवी ने कंप्लीट किया था। वहीं बात की जाए फर्स्ट 7 डेज़ की तो मूवी ने 3 करोड़ 50 लाख का नेट कलेक्शन किया था और अराउंड 6 करोड़ 30 लाख का ग्रॉस कलेक्शन किया था वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस में। 11 डेज़ की बात की जाए तो मूवी ने 11th डे में यानी कल के दिन अराउंड 20 लाख का कलेक्शन किया है नेट कलेक्शन, और टोटल कलेक्शन मूवी का होता है 5 करोड़ 30 लाख के आसपास का नेट कलेक्शन, और टोटल आप कह सकते हैं वर्ल्ड वाइड की बात की जाए तो मूवी ने 8 करोड़ 85 लाख के आसपास का कलेक्शन कंप्लीट कर लिया। मैं आपको बता दूं कि मूवी ओवरसीज से मूवी का जो कनाडा मार्केट है वहां से ही मूवी एक रिस्पेक्टिव कलेक्शन कर पा रही है, बाकी और मार्केट से मूवी को उतनी स्क्रीन्स नहीं दी गई, और काफ़ी जगहों में तो ये मूवी रिलीज भी नहीं हुई है। तो ओवरसीज से मूवी का उतना धमाकेदार कलेक्शन तो नहीं आ रहा है, लेकिन इंडिया से मूवी जो रिस्पेक्टिव कलेक्शन जरूर कर रही है। वहीं 12th डे की बात की जाए तो मूवी आज के दिन भी मैंने आपको जैसा बताया कि मिशन मंगल और बाटला हाउस रिलीज होने वाली, तो इसमें इस सभी मूवीज़ के लिए आज के दिन जो है काफ़ी बड़ा दिन होने वाला है। आज के दिन जितने भी मूवी कलेक्शन करेगी वो मूवी के लिए एक प्लस पॉइंट होगा। उसके बाद जो मूवी के कलेक्शन है वो गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि मिशन मंगल और बाटला हाउस को काफ़ी ज़्यादा शोज मिलने वाले हैं, जिससे कि है बाकी जितनी भी मूवीज़ हैं उनमें गिरावट कलेक्शन में गिरावट देखने को मिलेगी, स्क्रीन में गिरावट देखने को मिलेगी। आज के दिन मूवी अराउंड 15 लाख से 20 लाख के आसपास का कलेक्शन कर सकती है, और मूवी का टोटल कलेक्शन हो सकता है 5 करोड़ 55 लाख के आसपास नेट कलेक्शन इंडियन बॉक्स ऑफिस में, और टोटल कलेक्शन की बात की जाए तो मूवी 9 करोड़ के आसपास का ग्रॉस कलेक्शन वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस में कर सकती है। मैं आपको बता दूं कि मूवी का जो बजट है वो अराउंड 3 से 5 करोड़ के बीच में बजट है, और मूवी को जो अगर हिट होना था तो मूवी को अराउंड 7 करोड़ के आसपास का कलेक्शन करना था, और अगर सुपर हिट होना था तो मूवी को अराउंड 15 करोड़ के आसपास का कलेक्शन करना था, लेकिन मूवी ने 7 करोड़ का कलेक्शन क्रॉस कर लिया है और मूवी अराउंड 10 करोड़ के आसपास पहुंचने वाली है। 9 करोड़ मूवी का क्रॉस हो चुका है, तो मूवी को हिट का वर्डिक्ट मिल चुका है। अब देखना होगा कि मूवी 15 करोड़ कर पाती है या नहीं, वो आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा। वहीं अगर बात की जाए नेक्स्ट मूवी, तो नेक्स्ट मूवी है सुपरस्टार गिप्पी गरेवाल की मूवी अरदास करा, जो कि इंडिया में तो धमाल कर ही रही है, लेकिन ओवरसीज़ में उससे भी अच्छा धमाल कर रही है। ओवरसीज़ में जितने भी लोग पंजाबी मूवी देखने वाले लोग रहते हैं उन्होंने इस मूवी को काफ़ी रिलेट किया है, काफ़ी पसंद आई है मूवी, और जितने भी रिव्यूज़ इस मूवी को मिले हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है इस मूवी को। इसी की वजह से मूवी जो कलेक्शन करने में भी धमाकेदार कामयाब रही है। मैं आपको बता दूं मूवी को पहले ही ब्लॉकबस्टर का वर्डिक्ट मिल चुका है, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर, और अब मूवी जो है 45 करोड़ की ओर बढ़ रही है, और देखते हैं आने वाले दिनों में मूवी 45 करोड़ का कलेक्शन कर पाती है या नहीं। अब और बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अरदास करा मूवी कोई एक कॉमेडी मूवी नहीं थी, कोई ऐसी एक्शन पैक्ड मूवी नहीं थी, सिंपल स्टोरी थी जो कि लोगों ने काफ़ी पसंद की। मूवी को रिलीज़ किया गया था 19 जुलाई 2019 को। मूवी के डायरेक्टर थे गिप्पी गरेवाल, और मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रोड्यूसर भी गिप्पी गरेवाल ही थे, म्यूज़िक डायरेक्टर थे जितेंद्र शाह। कलेक्शन की बात की जाए तो मूवी ने अपने फर्स्ट 10 डेज में 16 करोड़ 18 लाख का ग्रॉस कलेक्शन किया था, ओवरसीज़ में 14 करोड़ 2 लाख और वर्ल्ड वाइड में 30 करोड़ 20 लाख का ग्रॉस कलेक्शन। फर्स्ट 15 डेज में मूवी ने अराउंड 34 करोड़ 19 लाख का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस में ग्रॉस कलेक्शन किया था। फर्स्ट 17 डेज में मूवी ने 38 करोड़ 20 लाख का ग्रॉस कलेक्शन किया था वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस में। फर्स्ट 21 डेज में मूवी ने 40 करोड़ 70 लाख का ग्रॉस कलेक्शन किया था वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस में। इसी साथ मूवी को जो वर्डिक्ट मिला था वो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर का वर्डिक्ट मिला था। बात की जाए मूवी को 26 डेज की, तो मूवी ने अपने 26th डे में अराउंड 20 लाख के आसपास का कलेक्शन किया है, जो कि एक रिस्पेक्टिव कलेक्शन है, अच्छा कलेक्शन है, और अराउंड 24 करोड़ 70 लाख के आसपास का मूवी का टोटल इंडिया का ग्रॉस कलेक्शन होता है, और अराउंड वर्ल्ड वाइड के हिसाब से देखा जाए तो 43 करोड़ 30 लाख के आसपास का मूवी का टोटल ग्रॉस कलेक्शन। वहीं बात की जाए मूवी को 27 डेज की, तो मूवी ने इंडिया में आज के दिन अराउंड 15 लाख के आसपास का कलेक्शन मूवी कर सकती है, और अगर 15 लाख का मूवी कलेक्शन करती है तो मूवी का लिए एक जबरदस्त कलेक्शन होगा, क्योंकि इस मूवी को 27 डेज हो चुके हैं रिलीज़ हुए हुए, तब भी मूवी इतना धमाकेदार कलेक्शन करी तो मूवी के लिए काफ़ी ज़बरदस्त बात है। उसी के साथ मूवी का जो टोटल कलेक्शन हो सकता है वो 24 करोड़ 85 लाख के आसपास का ग्रॉस कलेक्शन हो सकता है, और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस की बात की जाए तो 43 करोड़ 60 लाख के आसपास का ग्रॉस कलेक्शन हो सकता है। कुछ ही दिनों बाद मुझे लगता है कि गिप्पी गरेवाल अपने ऑफिशियल अकाउंट से इसका ऑफिशियल कलेक्शन भी शेयर करेंगे, जब इसका
फाइनल रन हो जाएगा तो वो वाला कलेक्शन भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। बात करते हैं अपनी नेक्स्ट मूवी की। मेरी जो नेक्स्ट मूवी है वो है सिंघम मूवी। सिंघम मूवी जिसमें परमेश वर्मा लीडिंग रोल में थे, करतार सिंह थे और सोनम बाजवा थी। इस मूवी ये एक ऑफिशियल रीमेक थी बॉलीवुड मूवी अजय देवगन सर की मूवी सिंघम की, लेकिन उतनी सक्सेस ये पंजाब में नहीं रह पाई जितनी कि वर्ल्ड वाइड में सक्सेस रही थी। और मैंने काफ़ी अपडेट इस मूवी की दी है पहले से ही, अगर वो वीडियो आपको देखनी है तो उन्हें भी जरूर देखें। और मैं आपको बता दूं कि साहो मूवी, अगर आप साहो मूवी भी के भी फ़ैन हैं, अगर साहो प्रभास के भी फ़ैन हैं तो उसकी भी मैं अपडेट देना स्टार्ट कर चुका हूं, तो उनकी वीडियोस भी आप देखते रहें। और मैं बता दूं साहो मूवी जो है 30 अगस्त को रिलीज़ होगी, तो उसके भी मैंने आपको प्री रिलीज़ बिजनेस बताया है जिसमें मैंने बताया कि मूवी ने 333 करोड़ का कलेक्शन किया है रिलीज़ होने से पहले ही, तो कहां से कितना कलेक्शन किया है तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। अब बात करते हैं सिंघम मूवी की। तो इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 9 अगस्त 2019 को। मूवी के डायरेक्टर थे नवनीत सिंह, मूवी के प्रोड्यूसर थे कुमार मंगत, अभिषेक पाठक और भूषण कुमार। स्टार कास्ट थे परमेश वर्मा, सोनम बाजवा, करतार चिम्मा। स्क्रीन मूवी को मिले थे अराउंड 400 के आसपास फर्स्ट वीकेंड में। मूवी का बजट था 8 करोड़ के आसपास, 8 से 10 करोड़। फर्स्ट वीकेंड मूवी का टोटल कलेक्शन जो रहा था वो 2 करोड़ 40 लाख के आसपास का नेट कलेक्शन रहा था और 3 करोड़ 80 लाख के आसपास का ग्रॉस कलेक्शन। काफ़ी लोग इससे भी कम कलेक्शन जो फिगर्स आ रहे हैं वो इससे भी कम आ रहे हैं, और लेकिन मुझे लगता है कि मूवी ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस में अराउंड 4 करोड़ 50 लाख के आसपास का कलेक्शन कर ही लिया होगा, जो कि इसके ऑफिशियल फिगर होंगे। और बात की जाए मूवी के स्टार्ट की, तो मूवी ने एक बिल्कुल एवरेज स्टार्ट लिया था, कोई ज़्यादा अच्छा कलेक्शन मूवी का नहीं था। फर्स्ट 5 डेज की बात की जाए तो मूवी ने अपने 25 लाख के आसपास का नेट कलेक्शन किया है 5th डे में, और वहीं टोटल कलेक्शन की बात की जाए 3 करोड़ 25 लाख के आसपास नेट कलेक्शन, और वहीं ग्रॉस कलेक्शन की बात की जाए तो 5 करोड़ 60 लाख के आसपास का वर्ल्ड वाइड में ग्रॉस कलेक्शन। और इस मूवी को अगर हिट होना था तो मूवी को 15 करोड़ के आसपास का कलेक्शन करना था, अगर सुपर हिट होना था तो 20 से 25 करोड़, और अगर ब्लॉकबस्टर होना था तो 30 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन करना था। लेकिन ये मूवी जो है अभी तक सिर्फ 5 करोड़ का कलेक्शन कर पाई है और मूवी जो है फ्लॉप की ओर बढ़ रही है। 6th डे की बात की जाए तो मूवी अपने 6th डे में अराउंड 20 लाख के आसपास का नेट कलेक्शन कर सकती है। टोटल कलेक्शन मूवी का हो सकता है 3 करोड़ 50 लाख के आसपास, और वर्ल्ड वाइड में अराउंड 5 करोड़ 90 लाख के आसपास का ग्रॉस कलेक्शन। तो आपको क्या कहना है, जितनी भी मैंने आज आपको पंजाबी मूवीज की बॉक्स ऑफिस अपडेट बताई मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुँच सके। धन्यवाद।